नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय पे चर्चा करेंगे। जी हां दोस्तों, आज का ये वीडियो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इस नज़रिए से है, महत्वपूर्ण इस नज़रिए से है कि आजकल लोन के मैटर में जो बैंकों द्वारा जितने भी कर्जदार हैं, अगर उनके द्वारा 1, 2, 3 EMI नहीं दी जा रही है, अनसिक्योर्ड लोन के मामले में ये देखा जा रहा है कि उनके ऊपर IPC की धारा 406 और 420 ये लगा करके सिविल कोर्ट से समन्स भिजवाए जा रहे हैं। तो आज हम लोग 406 और 420 को बड़े ही विस्तार से और बहुत ही टेक्निकल तरीके से इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि मैंने इस पर ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, लेकिन लगातार इस प्रकार की चीज़ें होती जा रही हैं। कर्जदारों को 406 और 420 का नोटिस बहुत ही धड़ल्ले से आ रहे हैं अनसिक्योर्ड लोन के मामले में, क्योंकि बैंक समझता है कि अगर 138 लगाएंगे NIA एक्ट में चेक बाउंस का मुकदमा हो, या फिर पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट में 2007 का सेक्शन 25 ECS बाउंस का लगाएंगे, तो कर्जदार के ऊपर इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा जितना प्रभाव 406 और 420 लगाने से होगा। क्योंकि 406 और 420 दोनों बड़ी गंभीर धाराएं हैं, और जिसमें 420 जो धारा है छल करने के लिए, चीटिंग करने के लिए, उसमें जो मैक्सिमम सज़ा है वो है 7 ईयर्स। तो बैंक वाले सीधे सीधे इस प्रकार की मिसयूज़ कर रहे हैं कानून का, और जो बैंक का लीगल सेल है, लीगल डिपार्टमेंट है, वो इस तरीके से सिविल कोर्ट में केस फाइल कर दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जब बॉरोअर को समन आता है, देखिए समन आने का मतलब ये नहीं है कि आपके खिलाफ जो भी आरोप बैंक ने लगाए हैं वो साबित हो जाएंगे, क्योंकि डेप्थ में समझने की ज़रूरत है, बड़ी गहराई में समझने की ज़रूरत है 406 और 420 को। धारा 406 का मतलब ये होता है कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ये पनिशमेंट धारा है, जबकि 405 ये है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मतलब क्या होता है, इसमें यह होता है कि आपने आपराधिक तरीके से किसी भी सहमति को, किसी भी विश्वास को भंग किया है, यानी कि आप और दूसरे व्यक्ति के बीच में एक सहमति बनी और आपने जानबूझ करके आपराधिक माइंड से, आपराधिक मनोवृत्ति से आपने उससे संपत्ति ली और फिर उस संपत्ति का उपयोग किया, और अब उस संपत्ति को आप उस व्यक्ति को लौटा नहीं रहे हैं, तो ये होता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। मान के चलिए कि आपने हमसे ये मोबाइल फोन लिया और हमने और आपने एक करार किया, एक संविदा किया, एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई ये फ़ोन आप हमसे 1 महीने तक लेंगे और इसकी जो दर है, यानी कि जो इस पर किराया होगा वो 10 रुपये प्रतिमाह होगी, हमने आपको ये फ़ोन दे दिया, आपने इस फ़ोन को हमसे ले लिया, लेकिन 1 महीने के बाद आप इस फ़ोन को हमको नहीं दे रहे, तो यही होता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। लेकिन लोन के मैटर में आप ऋण नहीं चुका रहे हैं, लोन नहीं चुका रहे हैं, लोन का लायबिलिटी आप पे नहीं कर रहे हैं, तो क्या ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का जो आधार है उसमें ये सटीक बैठता है? अगर ट्रायल चले तो ऐसे मुकदमे, मैंने बार बार कहा है कि ऐसे मुकदमे अगर अच्छी तरीके से लड़ा जाए तो ऐसे मुकदमे 2 दिन भी नहीं चल पाएंगे सिविल कोर्ट्स में। देखिए आप किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा सकते हैं, कोर्ट से आपको समन आ सकता है, और कोर्ट से समन आने का उद्देश्य यही होता है कि सामने वाले ने आपके ऊपर आरोप लगाया है तो आप अपने बचाव में अपना बचाव पक्ष रखिए, तो इसीलिए समन्स आते हैं। समन आने का मतलब ये नहीं है कि आपके खिलाफ आरोप 406 और 420 सिद्ध हो गया है।
तो जब आपके ऊपर ये जो एलिगेशंस बैंक लगाते हैं, तो ऐसे केस अच्छी तरीके से लड़ा जाए तो 406 का जो धारा है वो यहाँ पर साबित नहीं हो पाएगा। साबित इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि हमने लोन के कुछ पार्ट्स दे दिए हैं, हमने अपनी ईएमआई कुछ दे दी है। अगर हमारा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करने का उद्देश्य होता तो हम शुरुआत से 1 रुपए नहीं देते, अपने लीगल दस्तावेज नहीं देते, अपने हस्ताक्षर सही से नहीं करते। तो यहाँ पर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का जो सेक्शन है, जो धारा है, वो उचित रूप से और उन कसौटियों पे खरा नहीं उतरता है, इसीलिए ऐसी धारा का खारिज होना नितांत आवश्यक हो जाता है और ऐसे ही केस लड़े जाते हैं। अब बात करते हैं कि धारा 420, 420 का मतलब ये होता है कि आपराधिक मनोवृत्ति के माध्यम से किसी व्यक्ति को चीटिंग करना, छल करना। लेकिन यहाँ पर फिर वही बात आकर के रुक जाती है, एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो जाता है कि जब व्यक्ति ने आपको लीगल तरीके से अपने डॉक्यूमेंट दिए और उस लोन के कुछ हिस्से को दे दिया और अब वह देने में असमर्थ है और बार बार वह आपको लेटर के माध्यम से, एप्लीकेशन के माध्यम से अपने वित्तीय स्थिति के बारे में बता रहा है, तो कहाँ से ये चीटिंग हो गई और कहाँ से ये छल हो गया। तो यहाँ पर धारा 420 भी उन आवश्यक तत्वों के आधार पर खड़ा नहीं होता है और वह खरा नहीं उतरता है। तो यहाँ पर धारा 420 का भी औचित्य नहीं बनता है। अगर इस केस को आप बड़ी अच्छी तरीके से लड़ेंगे और इसमें आप साबित कर देंगे कि हमारा इंटेंशन बैंक को नुकसान पहुंचाना नहीं था, हमारा जो उद्देश्य था वो सिर्फ सिर्फ लोन लेना था और लोन देना था, लेकिन वित्तीय स्थिति खराब होने की वजह से हमने संपूर्ण लोन को नहीं चुका पाए, लेकिन हमने कुछ पार्ट पेमेंट किए हैं। तो जब आप पार्ट्स पेमेंट करते हैं तो ऐसी धाराओं का अस्तित्व में होना सही नहीं होता है, ऐसी धाराएं फिर अस्तित्व में नहीं रह जाती हैं। लेकिन मुद्दा ये है कि बैंक इस प्रकार से मिसयूज करा रहे हैं अपने एडवोकेट के माध्यम से, तो इस पर माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी ध्यान देना चाहिए। हालांकि ये जो केस हैं वो 6 महीने के बाद अपने आप ड्रॉप हो जाते हैं, ऐसा कोई भी जजमेंट नहीं आता है जिसमें कि कर्जदार को 406 और 420 के अंतर्गत कोई भी सजा होती है। लेकिन धारा 138 और धारा 25 के अंतर्गत केस फाइल होते हैं और ये जो धाराएं हैं वो रेलेवेंट हैं, यानी कि ये जो धाराएं हैं वो इस प्रकार से चेक बाउंस और ईसीएस बाउंस से संबंधित हैं। तो इन धाराओं में अगर कर्जदार के ऊपर केस बनता है तो ऐसी धाराओं को साबित किया जाता है और किया जा सकता है और इसमें इसको स्थापित भी किया जा सकता है और एविडेंस के बेसिस पे इस पे जो कर्जदार हैं उनके ऊपर जो कार्रवाई होती है वो तो नॉर्मल होती है, उसमें जुर्माना भी लगता है, जेल वगैरह भी होती है, 1 महीने 2 महीने जो भी है। लेकिन धारा 406 और 420 जो कि मेंटेनेबल नहीं होते हैं, तो इसीलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आज की इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल से बता दिया है कि देखिए आपको 406 और 420 की कर नोटिस आती है तो आपके मन में जो फिल्म बन जाती है, एक धारणा बन जाती है कि अब तो हमारा कुछ हो ही नहीं सकता, आपका शरीर कांपने लगता है, आप एकदम गलतियां करने लगते हैं। लेकिन ये जो धाराएं हैं वो 6 महीने भी कोर्ट में नहीं चलती हैं, बैंक साबित नहीं कर पाता है और ऐसी धाराओं को ड्रॉप कर दिया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ट्रायल को आप उस स्टेट के हाई कोर्ट में सीआरपीसी की धारा 482 में भी इसको चैलेंज कर सकते हैं और ऐसे ट्रायल, ऐसे विचारण, ऐसे मुकदमे को रद्द कराया जा सकता है और बिल्कुल रद्द होता है। आप इसमें जरा भी पैनिक मत होइए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपके पास नोटिस आ रही है तो इसमें आपको डर लग रहा है, डर लगना स्वाभाविक है। एक नोटिस आ जाती है तो आप डर जाते हैं क्योंकि देखिए आप सिंपल व्यक्ति हैं, आप मन से चोर नहीं हैं, आप दिल से चोर नहीं हैं, इसीलिए आपको डर लगता है। तो आप डरिए नहीं,
अच्छा एडवोकेट, बढ़िया एडवोकेट करके आप अपने इस केस में फाइट करिए, जीत आपकी होगी, न्याय आपको ज़रूर मिलेगा, ये जो धाराएं हैं वो ड्रॉप हो जाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, इसे अपने दोस्तों और सर में शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर प्रदान करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान जरूर रखिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों।